चतुर मुर्गा। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी और खाने की खोज में बाहर निकली। उसने एक मुर्गे को छत पे देखा। लोमड़ी को शरारत सूझी। लोमड़ी ने उस मुर्गे को जमीन पे लाने का सोचा। अरे ओ मुर्गे मिया, बड़े दिन दिखे नहीं आप। आप काफी वजन घट गया और कमजोर भी दिख रहे हैं। नीचे आइए तो आपकी नब्ज देखूं। क्या कोई बीमारी है? क्या कोई बीमारी है? मुर्गे ने कहा, हाँ मैं सही में बीमार हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं तो नीचे भी नहीं आ सकता। लोमड़ी ने सोचा, मुर्गा तो मुझसे ज्यादा चालाक है, मेरी यहाँ नहीं चलेगी। बिल्ली के गले में घंटी। एक गोदाम में एक बिल्ली रहती थी। वहां कई चूहे भी थे। सारे चूहे उस बिल्ली से डरते थे। हर दिन वो बिल्ली उन चूहों पर हमला करती और उन्हें खा जाती। चूहे सोचते, कैसे इस बिल्ली से छुटकारा मिले। एक दिन चूहों की महफिल रची और खूब विचार विमर्श हुआ। एक चूहा बोला, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। सब एक साथ बोल उठे, वाह क्या उपाय सोचा है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। चिड़िया और चींटी। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। चींटी दोनों इकट्ठे एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन बड़ी तेज बारिश हुई। और चींटी बहाव में बह गई। देख के चिड़िया ने कुछ पत्ते पानी में फेंके चींटी की मदद के लिए। चींटी ने पत्तों का सहारा लिया और वो बच निकली। फिर एक शिकारी शिकार पर आया और उसने चिड़िया पर निशाना लगाया। चींटी ने यह देखा और शिकारी के पांव पर जोर से काटा। शिकारी का निशाना चूका और चिड़िया फुर से उड़ गई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर, काला केसरा और लोमड़ी दूसरा का रहते थे। दोनों बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। दूसरा का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक शांत हाथी घास चुन के खा रहा था। उसको ये नहीं मालूम था कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
हाथी ने आवाज निकाली। और कितना इंतजार करेंगे? बकवास बंद करो, हाथी भाग जाएगा। हाथी उनको देख लेता है और दौड़ मार देता है। शेर हाथी के पीछे दौड़ता है और लोमड़ी शेर के पीछे। हाथी ऐसे दौड़ता है मानो धरती हिल रही हो। बाप रे, ये क्या है, धरती हिल रही है। शेर लोमड़ी की नहीं सुनता, वो हाथी के पीछे झाड़ और पेड़ कूद कूद कर जाता है। हाथी डर के चिल्लाता है और उसकी दौड़ तेज हो जाती है। अचानक शेर को एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो पत्थर पे पांव रखकर रास्ते की दूसरी तरफ उड़ता है और घूमता हुआ हाथी के सामने आ गिरता है। हाथी डर के रुक जाता है और शेर को घूरने लगता है। अरे आक्रमण करो मेरे शेर! शेर हाथी के ऊपर जैसे ही छलांग लगाता है, हाथी अपने विशाल बल से शेर पर वार करके उसकी हड्डियां ध्वस्त कर देता है। अरे रे रे रे, मेरी कमर, अरे मेरे पांव! हाथी शेर की तरफ धीरे से बढ़ता है, जो जमीन में घायल पड़ा होता है। अब शेर के डरने की बारी आ गई। शेर डर के कांप रहा होता है। हाथी अपना पांव उठाकर शेर को कुचलने ही वाला होता है, तभी ओ महान हाथी, कृपा करें, क्षमा करें, इसने आपके बल को नकार दिया, क्षमा करें, वो अब ऐसा नहीं करेगा। लोमड़ी की आंखों में मगरमच्छ के आंसू देखकर हाथी पिघल गया और अपना इरादा बदलते हुए दूसरी तरफ चिल्लाता हुआ चल दिया। शेर को अफसोस हुआ। शेर उसी जगह घायल पड़ा हुआ दर्द से कराहता है। लोमड़ी को उसकी कराहट से दिक्कत हुई और वो सो न सकी। आ अम्मा, उफ मेरी कमर! चुप करके लेटो मेरे शेर, तुम्हारी वजह से शिकार भाग गया। कितनी देर से पेट में कुछ नहीं गया, जा मेरे बाप, शिकार ढूंढो। शिकार इस हालत में असंभव। अगर मैं शिकार कर सकती तो तुमसे क्यों बोलती? लोमड़ी घायल शेर को देखती है और परेशान हो जाती है। अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए इधर उधर देखती है। उसका मुंह और पेट दोनों भूख से सूख रहे होते हैं। फिर उसे एक दुबला पतला गधा दिखता है। लोमड़ी अपना दिमाग चलाता है। मेरे पास एक विकल्प है, मैं गधे को ललचा के तुम्हारे पास लाती हूँ, तुम उसे मार देना, ठीक है? शेर एक शैतानी मुस्कान देता है और हंस पड़ता है। लोमड़ी और शेर दोनों शांत हो जाते हैं। गधा एक ऐसी जगह घास चर रहा होता है जो सूखी और बंजर होती है। वो सूखी घास चबा रहा होता है और लोमड़ी उतरा हुआ चेहरा लेकर गधे के पास आती है। छी, तुम सूखी घास खा रहे हो? तो क्या करूं, मेरा नाम लंबर करना है और मैं अपने दुष्ट मालिक को छोड़कर आया हूँ। मुझे नहीं पता क्या खाना है और कहाँ से खाना है। तुम बड़े भाग्यवान हो, आगे बहुत हरियाली है, चलो मेरे साथ। गधे को हरी घास, पत्ते, फल दिखने लगते हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो लोमड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। लोमड़ी को गधे का मांस दिखने लगता है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो दोनों शेर के पास आते हैं और शेर गधे को दबोच लेता है। गधा डर से दौड़ता है और मदद को चिल्लाता है।
बचाओ बचाओ मेरे दोस्त, बचा लो। अचानक धुंध के बादल से गधा निकल भागता है। लोमड़ी गधा को भागते देखता है। मूर्ख, तूने ये क्या किया? शेर का चेहरा उतर जाता है। लोमड़ी गुस्से से गधे के पीछे दौड़ती है। गधा सांस भरता हुआ दौड़ता है। लोमड़ी उसे रोक लेती है। तुम भाग क्यों रहे हो? तुमने नहीं देखा, एक गधी तुमसे विवाह करना चाहती है। गधा रुक जाता है। वो गधी थी, मैं समझा, वो भूल जाओ बीती बात, चलो तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गधा एक बड़े हीरो की तरह छाती फुला के चलता है, सीटी बजाता हुआ चलता है। शेर पेड़ के पीछे छुपा होता है। जैसे ही गधा पेड़ के आगे निकलता है, शेर उस पे छलांग लगा देता है। लोमड़ी खुश हो जाती है, फिर से उसके मुंह में पानी आ जाता है। जब गधे को शेर पस्त कर देता है तो वो वहां आ जाती है। गधा जमीन पर मरा पड़ा होता है और शेर भी बहुत खुश होता है। लोमड़ी को एक और शैतानी सूझती है। रुको रुको रुको, पहले उस तालाब में अपने हाथ पांव धो के आओ, फिर मिलके शिकार खाएंगे। शेर तालाब की तरफ अपने हाथ पांव धोने निकलता है। लोमड़ी पूरा मांस उठाकर वहां से दौड़ मार देती है। मेरी बुद्धि खुद मुझे शिकार लाके देगी, इस घायल शेर की मुझे कोई जरूरत नहीं। लोमड़ी तेजी से दौड़ती है और गायब हो जाती है। कभी गलत सोच का विश्वास मत करो। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी थी जिसका नाम गुमाया था। वो कई दिनों से भूखी थी। चमकते सूरज की गर्मी तले लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। भूख से मुंह में पानी आ रहा था। वाह, खाना मुझे चाहिए, कितने दिन हो गए खाना नहीं खाया। तभी उसकी नजर एक खरगोश पे पड़ती है जो बड़ी मस्ती से गाजर चबा रहा होता है। उसको लोमड़ी के पास होने का बिल्कुल पता नहीं होता। अरे खरगोश, ये मेरा खाना बन सकता है, सावधानी से काम लेना होगा। लोमड़ी झुक के धीरे से चलने लगती है और आगे जाके रेंगते हुए खरगोश के पास जाती है। झाड़ के पास छुप के खरगोश के पीछे खड़ी हो जाती है। खरगोश को आवाज आती है और वो इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? खरगोश उठता है और लोमड़ी झाड़ से बाहर आती है और खरगोश के पीछे अपने बदन को सिकोड़ कर खड़ी हो जाती है। खरगोश दाएं देखता है, लोमड़ी बाएं खिसक जाती है। खरगोश बाएं देखता है, लोमड़ी दाएं खिसक जाती है। खरगोश को शक होता है और वो मुड़ता है। लोमड़ी खरगोश पर आक्रमण करती है। खरगोश लोमड़ी के मुंह में दांतों के बीच गाजर अटका देता है। लोमड़ी फंसी हुई गाजर से संघर्ष करती है। उतने में खरगोश भाग जाता है। बड़ी कठिनाई के बाद लोमड़ी अपना मुंह बंद कर गाजर को तोड़कर गिरा देती है। मेरा मुंह, अरे रे। हारी हुई लोमड़ी धीरे धीरे चल के एक जगह पहुंच जाती है जो एक रणभूमि होती है। हथियार यहां वहां बिखरे होते हैं। खाने की खोज में लोमड़ी एक खाली मैदान पहुंच जाती है जहां कभी युद्ध हुआ था।
कुमाया को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो खाना ढूंढने लगी। इतनी चीजें हैं यहाँ, मगर कोई ऐसी नहीं जो मैं खा सकूं। वो एक चमड़े की बेल्ट चबाने लगती है। छी, थू, क्या है ये? थू। थोड़ी देर आगे चल के वो और कमजोर हो जाती है और तुरंत चारों पांव फैला के जमीन पर सो जाती है। अचानक एक धड़ाम सी आवाज उसे जगा देती है। क्या है ये आवाज? कहां से आई? थम धड़ाम की आवाज से लोमड़ी भाग के झाड़ के पीछे छुप जाती है। धीरे धीरे झाड़ हटाकर लोमड़ी अपना सर बाहर निकालती है। आई। आवाज के कम होने से उसका भय कम होता है और खुल के अपने बदन को फैलाकर दाएं बाएं देखती है और कुछ सूंघने लगती है। मुझे खाने की सुगंध आई, चटपटा खाना। सूंघते हुए वो एक नगाड़े के पास जाती है, फिर दिल में शंका आती है, पास जाकर फिर सूंघती है, फिर पूरे विश्वास होने पर छलांग नगाड़े के ऊपर लगाती है। धड़ाम धड़ाम आवाज आती है। फूट, फूट, पागल, फूट। तेजी से दौड़ के पेड़ के पीछे छुप जाती है। सांस फूल जाती है और हांफने लगती है, फिर धीरे से बाहर आके नगाड़े को देखती है। सब कुछ शांत होता है, फिर धीरे से नगाड़े के पास जाती है। कौन हो तुम? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम? नगाड़ा शांत होता है। जवाब दो, मैं आक्रमण करूंगी। नगाड़ा शांत होता है, गुस्सा होके फिर छलांग लगाती है, फिर धड़ाम धड़ाम की आवाज और फिर वापस कूद जाती है। जैसे ही दौड़ने की तैयारी करती है, मुड़ के एक बार पीछे देखती है, फिर करीब जाती है और अपने पंजे से नगाड़े पर वार करती है और वही धड़ाम की आवाज। ऐ, इस पे तो कोई भी चीज की धमक से आवाज आती है। फिर वो छलांग लगाती है और नगाड़ा पीटने लगती है। अचानक नगाड़ा हिलने डुलने लगता है और हिल डुल कर गिर जाता है। नगाड़ा घूमता हुआ गिरता है और लोमड़ी को तारे नजर आ जाते हैं। फिर लोमड़ी अपना सर हिलाकर काबू में आती है और देखती है कि नगाड़े के नीचे एक प्लेट है जिसपे मांस, चावल और कई तरह के भोजन रखे हैं। चटपटा, यम्मी। उसके मुंह में पानी आता है और वो भोजन का सेवन करके शांत हो जाती है। अगर मनोबल विशाल हो तो जो चाहो वो मिलता है। क्यों दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।